भजन संहिता 10 न्याय के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय तू क्यों छिपा रहता है? दुष्ट अपने अहंकार में दीनों के पीछे पड़ जाते हैं, वे अपने ही बनाए युक्ति में फंस जाएं। दुष्ट अपने मन की अभिलाषा पर घमंड करता है, और दो भी मनुष्य यहोवा को शाप देता और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण परमेश्वर को नहीं खोजता, वह सोचता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने चालों में हर समय सफल होता है। तेरे न्याय के विचार इतने ऊंचे हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। वह अपने सब विरोधियों पर फुंकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी ना टलूंगा, पीढ़ी से पीढ़ी तक मुझ पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। उसका मुंह तो शाप और छल और दुष्टता से भरा है, उसकी जीभ पर उत्पात और बुराई है। वह गांव में घात लगाए बैठा रहता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष की हत्या करता है। उसकी आंखें असहाय मनुष्य की घात में लगी रहती है। जैसे सिंह झाड़ी में घात लगाए रहता है, वैसे ही वह छिपकर असहाय को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है, और जब असहाय मनुष्य उसके जाल में फंस जाता है तो वह उसे पकड़ लेता है। तब वह असहाय मनुष्य दबकर झुक जाता है और उसके बलवंत हाथों द्वारा कुचला जाता है। दुष्ट अपने मन में कहता है, परमेश्वर भूल गया है, उसने अपना मुंह छिपा रखा है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ा और असहाय मनुष्यों को ना भूल। दुष्ट परमेश्वर को क्यों तुच्छ जानता है? वह अपने मन में कहता है, तू लेखा नहीं लेगा, तूने देख लिया है और तू उनकी बुराई और अत्याचार को देखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथों से ले। असहाय मनुष्य स्वयं को तेरे हाथों में सौंपता है, तू अनाथों का सहायक है। दुष्ट और बुराई करने वालों की भुजा को तोड़ डाल, उसकी दुष्टता को ढूंढ कर निकाल, की कुछ भी न रह जाए। यहोवा युगानियुग के लिए राजा है, उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की इच्छा सुनी है, तू उनके मन को दृढ़ करेगा और अपने कान उनकी ओर लगाएगा, कि अनाथ और कुचले हुओं का न्याय करे, ताकि मिट्टी से रचा गया मनुष्य फिर कभी भय का कारण न बने। आमीन।